आपने बर्थडे में देखी ना तब तब हाँ नहीं तो रिएक्शन में कुछ थोड़ा स्पाइन देना पड़ेगा हाँ सॉरी सॉरी एंड एक्शन तू ठीक कह रही थी, महापंडित जी को भगवान नहीं भेजा हमें। क्या हो गया? दुलारी तू ठीक कह रही थी, महापंडित जी को भगवान जी नहीं भेजा हमें बचाने के लिए, क्योंकि भगवान जानते हैं। ए आंख में होल्ड कर बेटा, इधर होल्ड कर। हाँ बोल ले। स्माइल उस पर देखना, और पीछे और पीछे और पीछे और पीछे और पीछे। हाँ एक्शन, देखना स्माइल और उनको उस पर देखा। और इस पर देखना, आइए आइए बेटा। ओके सॉरी मैम, मैम उसको देख के फिर आप देखिए। एक्शन क्या हुआ दानी बेटा? बड़ी अम्मा, भगवान की कृपा भी कितनी बड़ी चीज है ना। माँ सर सॉरी, क्या है ये? चल ले ले हल्की सी, हल्की सी नमी ले लो। हाँ ले ले। क्या हुआ धानी बेटा? बढ़िया अम्मा, भगवान जी कृपा भी कितनी बड़ी चीज है ना। हमारे कारण कितना कुछ सहा आप लोगों ने, लेकिन भगवान जी की कृपा से सब सही हो गया, सब शांत हो गया। सब कुछ खा लिया बच्चिया, तुम भी खा लो थोड़ा सा। सर मैं आने से लेती हूँ एक मिनट। धानी सब लोग खा रहे हैं बेटा, तुम भी कुछ खा लो। हाँ माई, आज हम बहुत खुश हैं, तुमको पता है? बहुत खुश हैं। माँ को देखने बोल रही है भाई, चक्कर एक्शन। हाँ माई आज हम बहुत खुश हैं, बहुत अच्छा लग रहा है सबको देखकर। आज तो हम जी भर के खाएंगे। इस सारी समस्या का अंत महापंडित आज हम बहुत खुश हैं, बहुत अच्छा लग रहा है सबको देखकर। आज तो हम भी जी भर के खाएंगे। ये सारी समस्या का अंत महापंडित जी के कारण हुआ है। बड़ी अम्मा, हम सोच रहे थे अपना आभार प्रकट करने के लिए कुछ उन्हें उपहार दे तो। तब तक वहां से सीतामाई ने बोला, अरे उपहार तो ठीक है लेकिन लेंगे क्या? इधर है, इधर है। दशरथ त्रिपाठी जैसे महापंडित को हमारे पास ऐसा है का?
सीता माई बोलती है और माँ पंडित जी के पास ऐसा कहा नहीं है जो हम देंगे। देखा तो हम लोग अपनी भावना प्रकट करके माँ पंडित जी के प्रति अंदर ले से नहीं है जो हम देंगे। यहाँ पे रचना वाला एक भक्त अपने भगवान को कहा दे सकता है सीता माई सिवाय अपनी भक्ति के। सीता माई उपहार कितना महंगा है उससे क्या फर्क पड़ता है, हम तो अपनी भावना प्रकट कर सॉरी फर्स्ट टाइम क्या मेरी सीता माई उपहार सब नहीं है कि उपहार कितना महंगा है, ये तुम अपनी भावना प्रकट कर रहे हो महापंडित जी के प्रति, इसलिए हम कुछ ऐसा देंगे जिससे हमारी श्रद्धा और विश्वास दोनों दिखाई दे। धानी एकदम ठीक कह रही है, हमें महापंडित जी को कुछ ऐसा उपहार देना चाहिए जो क्या देंगे धानी। ये देते हैं। फिर रचना बोलती है ये तो पूरा पागल हो गई है, इतना पैसा कहाँ रहे हमारे पास, ये जो मिठाई बनाने की बात कर रही हो। इतना पैसा कहाँ है हमारे पास जो ये मिठाई बनाने की बात कर रही हो, मैं तो कहती हूँ हमें एक बहुत खूब बड़ा सा फूलों का माला बनाना चाहिए और उसे नकली नोटों से सजा देना चाहिए। नकली नोटों का इंतजाम तो हम कर देंगे और फिर दानी माला अच्छी तरह से बनाना जानती है। नहीं नहीं माला ठीक नहीं रहेगी, हमारी दीवी माला पहनेंगी थोड़ी। काकी बोलती है वहां से हम तो कहते हैं कि हमें पंडित जी के लिए एक अच्छी सी राखी बनानी चाहिए, जिस तरह वो हमारी रक्षा का वचन देकर गए हैं हमारी राखी उसी वचन की एक निशानी होगी। रचना बोलती ये कैसे हो सकता है, हम और महापंडित जी भाई बहन कैसे हो सकते हैं, ना मावन।